टेंस का मतलब होता है काल। अब काल कहते हैं किसके लिए? समय के। ठीक है। और तो टेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो आप लिख लोगे थ्री टाइप आपके, तीन तरह के टेंस होते हैं। कितने तरह के टेंस होते हैं? तीन तरह के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान का। नंबर दो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। और नंबर तीन हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य का। अच्छा अब देखिए, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सबसे पहला जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। अभी आपने लिखा किताब ऊपर, इनके कितने कितने भाग होते हैं? सबके सबके फोर पार्ट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज की जो क्लास है वो इन दोनों टेंसों की है। किसकी किसकी?
प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पेपर जब आता है तो वो एग्जाम्पल में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखता है, जबकि हमने पढ़ा होता है कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, कितने होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद पहले लिख दिया मैंने प्रेजेंट टेंस, क्या हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, हाय आ गया, तो कौन सा हो गया प्रेजेंट हो गया ना। अरे प्रेजेंट हो गया, आगे देख लीजिए I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूं, इसमें हूं आ गया, ये भी किसका है प्रेजेंट का है, कौन सा है प्रेजेंट का है। I have read a book. मैं किताब पढ़ चुका हूं, इसमें हूं आ चुका हूं आ गया हूं, ये भी प्रेजेंट का है। मैंने बताया था उस दिन एक दिन से पहले दिन कि प्रेजेंट का मतलब है होता है, उसके लास्ट में या तो है आएगा, या तो हूं या तो हो या तो है ना, प्रेजेंट का ही होगा। दूसरी बात, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। ये सारे सेंटेंस किसके हैं प्रेजेंट के हैं। अब प्रेजेंट के हैं लेकिन प्रेजेंट टेंस किसमें बटा हुआ, कितने भागों में बटा हुआ है, चार टेंस में। कौन कौन सा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक बात समझ में आई, खाली प्रेजेंट के सारे सेंटेंस है, मैंने नॉर्मल बता दिया। समझिए बात, पढ़ता है, रहा हूं, चुका हूं, रहा हूं, तो ये सभी किसमें है प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट के चारों में से कौन किसका है ये तो पढ़ने से पता लगेगा, लेकिन इतना पता है कि है हूं लग गया तो ये सभी किसके है प्रेजेंट के। तो फिर एस या एस वर्ब में जुड़ा हुआ या इज आर एम जुड़ा हुआ।
स्टेट में लगती है। किसमें लगती है? अगर इसका तुमने पास्ट बनाया तो बी टू, इसका पास्ट बनाया तो क्या हो जाएगा, यानी फिर की सेकंड फॉर्म। इसका पास्ट बनाया तो क्या हो जाएगा, वाजवा इजारा का क्या हो जाएगा, अगर इसका पास्ट बनाया तो क्या हो जाएगा, इसका पास्ट बनाया तो क्या हो जाएगा। नहीं समझे बात, फिर से समझो। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, लेकिन है तो ये सभी प्रेजेंट में ही। अब वो चारों में से किसी के हों, मैंने कहा कि ऐसे ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या इजारा या हैज या है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब किसमें आती है, प्रेजेंट में। किसमें आती है? अगर इनके हम पास्ट चलेंगे तो ये बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर कहीं इसके नेगेटिव में डू और डज भी तो लगते हैं तो पास्ट उसका क्या हो जाएगा, डिड। पास्ट क्या हो जाएगा, डिड। इजारन का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। हैड का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। और हैड बीन का पास्ट क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से टेंस पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले आप फिर डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तब तब कहते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे नहीं आएगा। अब लिख के आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिखे के लिए सिंपल प्रेजेंट। अरे क्या लिख के आएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो आप ध्यान रखना, एक नया वर्ड जोड़ लीजिए माइंड में आज से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही क्या कहा जाता है, सिंपल तारका होता है या दी है,
यह फी है, यह ताप है, ये बाढ़ आते हैं। समझ रहे होगा? किसी टेंस के अंदर आप चार तरह के सेंटेंस बनाओगे। कितने तरह के सेंटेंस बनाओगे समझिए। सेंटेंस में पहला आप बनाओगे अफर्मेटिव। क्या बनाओगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आप क्या बनाओगे? नेगेटिव सेंटेंस। फिर आप बनाओगे क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होंगे। एक होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होंगे किससे शुरू? क्वेश्चन वर्ड। एक क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे। तो चार तरह के सेंटेंस आप सीखते हो। क्या सीखते हो? अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें पॉजिटिव कहते हैं, है ना? हाँ। और ये नेगेटिव होते हैं, ये इंट्रोगेटिव होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, प्रश्न पूछने वाले वर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं चारों तरह के सेंटेंस लिख दे रहा हूं, उधर देखिए। तो सबसे पहले इनमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें लगाओगे? देखिए पहला सेंटेंस, वही बाजार जाता है, सीता रोज स्कूल जाती है। हम प्रतिदिन नदी में नहाते हैं। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता है। वह हमेशा सुबह जल्दी उठता है। आप समझ लीजिए ये सेंटेंस किसके हैं? कैसे पहचान लिया? तासब में आ रहा तो ये किसमें है? किसमें है? अब प्रेजेंट में सब में कैसे सेंटेंस हैं? कैसे हैं? बनाने का एक आप तरीका देख लीजिए। सबसे पहले अंग्रेजी बनती है सब्जेक्ट की। किसकी बनती है? सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? करता। सब्जेक्ट के बाद फिर अंग्रेजी बनती है वर्ब की। किसकी होती है? अब वर्ब दो भागों में बटी होती है, हेल्प एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब में जो वर्ब है वो दो भागों में बटी होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अफर्मेटिव वर्ब लिख लो, नो हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखोगे अफर्मेटिव में नो है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। फिर आप वर्ब के बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका बच जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट में डाल दोगे। यही तो लिखोगे। आप बताओ इसमें एक होता है सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट क्या कहलाता है? कि अगर सिंपल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। एस या ईएस
लगाकर एस या एस कभी भी एडजेक्टिव में नहीं लगता है, एस या एस कभी भी एडवर्ब में नहीं लगता है, एस या एस कभी प्रोपोजिशन में नहीं लगता है, एस या एस कभी कंजक्शन में नहीं लगता है, तो किस में लगता है? एस या एस केवल और केवल किस में लगता है? नाउ किस में लगता है? अब किसी चीज को सब्जेक्ट होने के लिए, किसी चीज को सब्जेक्ट होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, या तो वो नाउन होगा और या फिर क्या होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। किसी सब्जेक्ट को होने के लिए नाउन होना जरूरी है और या फिर क्या होना जरूरी है, तो सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं। सब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं होगा, कभी एडजेक्टिव नहीं होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा, कंजक्शन नहीं होगा, इंटरजेक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट अगर होगा तो या तो वो नाउन होगा और या क्या होगा, तो अगर सिंपल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल वर्ब लगेगी, सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, लेकिन सिंगुलर वर्ब के लिए क्या होता, देखो नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाना है तो आप क्या जोड़ोगे, एस या ईएस। और अगर आपको वर्ब का प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाना है, वर्ब का सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर है ना, तो आपको एस या ईएस जोड़ना है। क्या सीखे, छोटी सी बात है, कोई सिखाने लगाओ लेकिन फिर भी सीखने लगे। नाउन में एस या ईएस लगाओगे तो क्या बनेगा, प्लूरल। नाउन में एस या ईएस लगाओगे तो क्या बनेगा, प्लूरल। अब वर्ब में अगर एस या ईएस लगाओगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। तुम मुझे बताओ कि चाइल्ड मीन्स बच्चे, ये प्लूरल है या सिंगुलर? अरे बच्चे प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है हिंदी में। एक बच्चन है या बहुवचन? बहुवचन है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाओगे? अरे वर्ब भी कैसी लगाओगे, बहुवचन। मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब भी प्लूरल लगाओगे। लेकिन अगर एस या ईएस लगा दिया तो वर्ब कैसी हो जाएगी? इसीलिए जो वर्ब लगाओगे वो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाओगे। तो बताओ एस या ईएस लगाओगे या एस या ईएस नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे, तभी तो वर्ब प्लूरल प्लूरल होगी। तो एक बात ये मुझे बताओ, बच्चे इसमें ऐसा लगा है, चाइल्ड मीन्स बच्चे, प्ले मीन्स खेलते हैं, या फिर चाइल्ड मीन्स बच्चे और प्ले मीन्स खेलते हैं, बताओ कौन सा सही है दोनों में? ऊपर वाला। ऊपर वाला, यही तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये नाउन है, नाउन में एस लगा है तो क्या हो गया, ये वर्ब है। अब वर्ब में एस लगा होगा तो वो क्या होगी, तो ये कैसी कंफ्यूजन, ये प्लूरल हुआ है सिंगुलर, तो गलत हो गया ना। सीखा नहीं है कि ऐसे लगा कि एक वचन के साथ ऐसे ऐसे लगा, कुछ नहीं। एक बार सीखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब लगानी है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगा, तो आपका ये वाला सही हो गया ना, ये वाला सही हो गया। और देखिए एक सर्वे, he goes to school, they goes to school, he go to school, they go to, इन चारों में which part correct नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लीजिए, सुनो पता देता हूं। हम
तुम, वे। ये कैसे होते हैं? प्लुरल। वह कैसा होता है? सिंगुलर। मैं प्लुरल भी होता है और कैसा होता है? सिंगुलर भी होता है। तो मैंने कहा वह, तो वह कैसा है? तो वह सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर लगनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब कैसी होती है? ऐसे या नाउन, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे ये से लगाओगे तो वो नाउन कैसा बन जाएगा? प्लूरल। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब में ऐसे ये से लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर। तो ये वर्ब ऐसे ये से लगी हुई क्या लगे, क्या कैसी है वर्ब? तो बताओ ये सही है या गलत? सही है। ये कैसा है? सही है। दूसरा बताओ, दे प्लूरल है सिंगुलर? दे बताओ, दे प्लूरल। वर्ब कैसी है? ऐसे लग गया तो सिंगुलर हो गई। तो ये सही है गलत? दूसरा बताओ, ही गो टू स्कूल, ही कैसा है? सिंगुलर। ही कैसा है? वर्ब कैसी है? प्लूरल। ऐसे नहीं लगी हुई है तो प्लूरल है ना। तो ये कैसा हो गया? कैसा है ये? आगे बात करूंगी मैं। आगे दे कैसा है? कैसा है दे? प्लूरल। अरे है दे प्लूरल? वर्ब कैसी है ये? प्लूरल। तो बताओ सही है गलत? सही है। यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है।
ऑब्जेक्ट जाती है तो कहाँ जाती है? स्कूल, टू स्कूल। अब कॉम्प्लीमेंट बस क्या, क्या बस क्या कॉम्प्लीमेंट बस क्या क्या है? रोज, रोज मीन्स डेली। ये क्या है रोज बताओ? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली। बताओ बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अरे यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, हम प्रतिदिन, ये तो शुरुआत है, जो पेपर में आएगी वो समझा जाएगा कि कब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है टेंस। ये चीज पेपर में आएगी, ये नहीं आएगी, ये सिखाना चाह रहा हूँ पहले मैं। हम प्रतिदिन नदी में नहाते हैं तो सब्जेक्ट कौन हो गया? कौन नहाते हैं? हम। तो हम की वजह से क्या हो गई? अब वर्ब हो गई। क्या हो गया? वर्ब। हम क्या करते हैं? नहाते हैं। बात बी, बात है ना। आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे बी कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब में आए थे लगाए ना लगाए? नहीं लगाएंगे, बी वर्ब हमें कैसे नहीं है। तो बी बात है ना, बी बात ऑब्जेक्ट। नहाते हैं तो कहाँ नहाते हैं? नदी में। इंदा बी बात। अगर हम घुस के जाते नदी में कूदे तो इंदू लगाते। क्या लगाते? इंदू। आगे देखिए, नहाते हैं कब? नहाते हैं कंप्लीट क्या होता? प्रतिदिन, एवरी डे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एवरी डे। अच्छा आओ सुनिए, ये डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये लगते ही हैं प्रेजेंट में और किसी में नहीं लगते। जैसे ये वर्ड देख लो तुरंत प्रेजेंट में करने की कोशिश करो। सुन लो, आज मैं अभी आर 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 डब्ल्यू का नाम आपने सुना होगा ना, ऑनलाइन में अंग्रेजी भाटी का चैनल, तो मैं उसमें सेक्शनल टेस्ट आते थे, बस में बैठा था तो मैं सेक्शनल टेस्ट लगा रहा था इंग्लिश की, और आज मुझे यही पढ़ना था तो मैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एरर वाले सेंटेंस लगा रहा था। मैं पढ़ रहा था आराम से उसको टेस्ट, 15 क्वेश्चन थे, इतनी बारीकी से वो इधर उधर घुमा रहा था, मैं सोच रहा था कि सब कुछ सही है, लेकिन बीच पार्ट इस एरर, एक पार्ट तो गलत होगा उसका, वही आंसर हो गया। किसी किसी में नहीं भी होता है तो नो एरर लगाना पड़ता है अंदर। तो मैं समझा मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था, कोई कोई संदेह तो उन्होंने एवरीडे लगा रखा था, पास्ट में बना रखा था, और कोई गलती नहीं, एवरीडे लगा रखा, पास्ट में बना रखा, पास्ट भी अच्छा, कोई गलती नहीं। तो वहां से पकड़ में आया कि अरे इसमें तो एवरीडे लगा रहा है, एवरीडे जिसमें लगा हुआ तो पास्ट में होगा ही नहीं, वो तो किसमें होगा? प्रेजेंट। तब जाके वो 15 सही करते मैंने, समझ लो। वो चीज मैं सिखाना चाहता हूँ, पहले ये चीज समझ जाओ, ये संदेश आपको समझ में आ गया कैसे बना? ठीक है, आगे देख लीजिए अगला। हम वह हमेशा सुबह जल्दी उठता है, लड़का है ना, तो कौन उठता है? सब्जेक्ट वह, तो ही तो लगाएंगे, सी तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे? अच्छा वर्ब क्या करता है? उठता है। उठना की अंग्रेजी गेट है ना, तो ये होगा गेट अप, ऐसे लगा दिया। क्यों लगाया है बताओ ना? क्योंकि ही क्यों लगाया? अच्छा गेट सब इकट्ठा होता है उठना, अच्छे में क्यों नहीं लगाया? अरे बताए थे ना कि सिंगुलर बना हुआ प्लूरल एस कभी भी प्रोपोजिशन में नहीं लगता, एस कभी भी कंजक्शन में नहीं लगता, एस लगता है तो ओनली ये तो नाउन में लगता है, किसमें लगता है? अब वर्ब में लगा हुआ तो फिर वर्ब कैसे बनेगी? सिंगुलर। तो फिर ये क्यों लगा हुआ भाई एस? अच्छा एक सेंटेंस मुझे बताओ, सिस्टर इन लॉ और यहाँ पर है बुक, बुक का आपने प्लूरल बना दिया तो क्या लगा दिया? समझो इधर, बुक का प्लूरल बना दिया तो क्या होगा? और ये हो गया सिस्टर इन लॉ, इसका प्लूरल कैसे बना दो बताओ? किसमें ऐसे लगाओ? अरे इसको प्लूरल बनाओ ना, तीन बार है, किसमें प्लूरल? किस आयत किसमें लगाओगे तीनों में से? मैं मूल वर्ब रूट वर्ब में लगाते हो, मूल वर्ब में लगाते हो, मूल वर्ब कौन सा है? सिस्टर। इसका प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ, ऐसा नहीं होता कि आपने लिख दिया सिस्टर इन लॉ तो ये कैसा हो गया? क्यों? क्योंकि आप सिंगुलर का प्लूरल लगाओगे तो ऐसा होगा मूल वर्ड में, किसमें लगाओगे? मूल वर्ड में। ठीक है, गेट्स अप मींस उठता है, उठता है कब? उठता है अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठता है, कैसे उठता है? जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठता है, अर्ली मॉर्निंग। इन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं, इसलिए मैं समझा नहीं चाहता, आगे की बात है। उठता है, आहा, अब बहुत अच्छी बात है, अब दिक्कत यह हो गई नेवर ऑलवेज,
नेवर आर बेस, कल ही पढ़ा मैंने रात में, नेवर आर बेस। आपको मैं एक सचरा बताऊँ, कसम से बिल्कुल 100% का सही बता रहा हूँ। मैं भी यहाँ से आ जाऊँगा पढ़ने, पढ़ा के यहाँ से पढ़ा के जाने के बाद रूम पे जाऊँगा, वहाँ खाना खा के और बस एक घंटे आराम करूँगा। तुरंत 7 बजे जाऊँगा लाइब्रेरी, और वहाँ लाइब्रेरी में 7 बजे से पढ़ने बैठता हूँ और सुबह 5 बजे उठता, शाम को 7 बजे से सुबह पाँच बजे उठता हूँ, फिर वो सुबह 5 बजे रूम बजाता हूँ और 5 बजे से सोता हूँ 9 बजे तक, 4 घंटे। फिर 9 बजे उठना, नहाना धोना, खाना खाना, 11:30 बजे तक बस स्टैंड पर पहुँच के चले जाना। इस समय जो मैं पढ़ रहा हूँ 7 बजे से, वो शाम को 7 बजे से 5 बजे तक कहाँ गुजरती है, लाइब्रेरी में। अब बात ऐसी है, लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको 5-6 महीने में सक्सेस दिला सकती है, 5-6 महीने। ऐसा माहौल है, लड़कों को रूम भी अच्छा ही लगता, अब लाइब्रेरी में अच्छी कुर्सियाँ हैं, वाई फाई है, AC लगी हुई है, लाइट जाने की टेंशन नहीं, साथ के हम उम्र के लड़के लड़कियाँ बोल सकते नहीं हो वहाँ, आवाज़ आपकी मोबाइल से जा नहीं सकती है बाहर, तो क्या करोगे, पढ़ोगे, क्या करोगे, पढ़ोगे और क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन ये है, एक घंटे बाद लड़के पढ़ के बाहर निकलते हैं तो बाहर पहले से बैठे हैं 4-5 लड़के, लगातार पढ़ भी तो सही नहीं सकते, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद लड़के 10 मिनट का ब्रेक ले लेते, मेला जैसा लगता है, ऐसी होती है माहौल पढ़ने का। लाइब्रेरी होती है, मतलब पीलीभीत में जैसे लाइब्रेरी है, 10 नहीं 50 लाइब्रेरी है पूरनपुर में, नहीं है कोई होगी। तो वो आप पढ़ सकते हो, माहौल बना सकते हो पढ़ने के लिए, समझ। तो वही तो मैं रूल्स ये पढ़ रहा था, मैंने शाम में पढ़ा, मैंने ये रूल्स पढ़ा शाम को ना, रात को मैंने ये रूल्स पढ़ा कि नेवर और ऑलवेज कहाँ पे लगाओगे, जी कहाँ पे लगाओगे। सबको आप कहाँ लगा लेते थे लास्ट में, सब कहाँ लगा लेते। अच्छा नेवर ऑलवेज है क्या, नेवर ऑलवेज है क्या, नेवर ऑलवेज जो है, अगर आप नेवर ऑलवेज ये हमेशा रखते हैं वर्ब से पहले, किससे रखते हैं वर्ब से, और अगर वर्ब से पहले हो गया तो फिर ये क्या हो गया, एडवर्ब, क्या हो गए, एडवर्ब है ना, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब अगर ये हो जाएगा नेवर ऑलवेज, तो ये हमेशा वर्ब से पहले। लेकिन अगर वर्ब दो भागों में बटी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, जैसे इज लिखा हुआ है और गोइंग लिखा हुआ है, तब अब ये भी आप वर्ब, अरे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो जब दो वर्ब हों तो आपको ऑलवेज कहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना है, कहाँ पे लगाना है, अब वैसे कहाँ लगाना है नेवर ऑलवेज, वर्ब से पहले। तो आप बताओ यहाँ पे मैं ऑलवेज कहाँ पे लगाऊं, वर्ब कौन सी है, अरे ताहर वाली होगी, उठना, उठता है, गेट्स मींस उठता है ना। तो आप लगाओगे ऑलवेज यहाँ पे, ही ऑलवेज, क्योंकि वर्ब से पहले। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आई, फिर से देख लीजिए बड़े ध्यान से। देखिए वह बाजार जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब बात क्या करो, वह बाजार जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट है वह, वह के लिए लगा दिया ही, ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब जब लगाओगे उसमें ऐसे ही है लगाओगे तभी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। कहा जाता है ऑब्जेक्ट मार्क पर कंप्लीमेंट है, छोड़ो, सीता रोज स्कूल जाती है, सब्जेक्ट कौन हो गया, सीता, वर्ब क्या हो गया, सीता सिंगुलर, तो ऐसे ही इस वाला वर्ब सिंगुलर, उसके बाद कहा जाती है स्कूल, अच्छा उसके बाद रोज जाती है, तो रोज कहा लगेगा, डेली, सारे वर्ड एंड वर्ब आपका लास्ट में लगता है, लेकिन ऑलवेज और नेवर वर्ब से, ठीक है। हम प्रतिदिन नदी में नहाते हैं, बी मींस हम, वर्ब क्या है, बात मींस ना, ए प्लूरल था इसलिए वर्ब भी मैंने क्या लगा दी, प्लूरल। आगे कहा नहाते हैं नदी में, इन द रिवर, क्या बच गया, एवरीडे लगा दिया लास्ट में। अच्छा सबको ये टाइम रोज प्रतिदिन हमेशा सब लास्ट में लगाए, हमेशा आपने यहाँ लगा, रूल्स होता है, ऑलवेज या नेवर आपको वर्ब से पहले लगाना है, इसीलिए लगाया। बताओ ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये उतार लिया, उतार लीजिए।
रहते हैं अकेले, खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धुलना, सब काम अपना काम स्वयं करना। कहते नहीं अपना काम स्वयं करो, कपड़े लगा कपड़े धुलना, प्रेस भी अपने आप करना, सब काम अपने आप करना है। आती है सैटरडे संडे किस लिए बना है? मास्टरों के लिए स्टूडेंट के लिए एक ही तो बर्ड सबसे ज्यादा अच्छा है, छुट्टी। उससे ज्यादा अच्छा कोई बर्ड ही नहीं है उसको भाई, सैलरी तो देखो सैलरी सरकारी सैलरी कभी नहीं पैसा मारा जाता है ना, लेट होगा लेकिन आता जरूर है। और सैलरी बहुत देती है सरकार, कम नहीं देती, बहुत देती है। आज ये देखिए अफर्मेटिव हो गया ना, अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिखा दिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पढ़ोगे, इसमें इंट्रोगेटिव गुड नेगेटिव भी तो पढ़ोगे, तो आप लगा लीजिए नेगेटिव, लिख लीजिए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मेरी माता दफ्तर नहीं जाती है, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। अब देखिए इतने सारे सूत्र कैसे याद कर पाओगे, समझ रहे हो? तो उसी से याद कर लो जो पहले वाला सूत्र था, वो तो मैंने विस्तार से लिखा था। अब देख लीजिए, मैं लिखा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, क्या लिखा था वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, अरे यही तो लिखा था। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, किसमें लिख दिया, वर्ब की तो दिक्कत नहीं है कि वर्ब कौन सी लगाए। मैंने उस दिन क्या बताया था, जितने टेन पढ़ाते सब में फर्स्ट लगाओ, सब में पास्ट में सेकंड लगाओ और थर्ड वाले में थर्ड लगाओ, तो सब में फर्स्ट लगाओ कंप्लीमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया। आप बात, ये तो सूत्र किसका है, अफर्मेटिव का है, किसका है, आप बात होगी नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव का सूत्र देखो क्या हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब दो भागों में बढ़ जाती है, आपको एक लगानी है हेल्पिंग वर्ब और एक लगानी है वर्ब। और वर्ब आपको अपने दिमाग में रखनी है, को याद करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव की यहाँ पर लिखा पड़ने का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक होती है डज और एक होती है डज, लगती है एक वचन के साथ और टू लगता है किसके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नेगेटिव के लिए भी और इंट्रोगेटिव के लिए, है ना। अब ऐसे ये सारा सिस्टम बताऊं, मैंने उसको कहा था कि समय पर की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगेगा थोड़ी देर के लिए, वो भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। आप ऑब्जेक्ट बस हो गया, बन गया, चलो आप लेकिन वर्ब कौन सी लगा रहे, फर्स्ट ही लगानी है समय, ठीक है। सब्जेक्ट मैं तो मैं, सब्जेक्ट कौन है, आई मीन्स मैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक एक डज है, यहाँ पे लो एक डज है और एक क्या है, अब मैं होता है प्लूरल, मैं क्या होता है, इसमें प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब दो लगाओगे या डज दो। अब तुम कहोगे सर जी ये आपने किसकी अंग्रेजी लगा दी, हम कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसों में ऐसे ही लगता था, लेकिन नेगेटिव में डज या तुम लगता है, उसके बाद ही क्या लगेगा नाउन, उसके बाद क्या लगेगा, ले सूत्र भी लेता हूं, सूत्र हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ। तो नेगेटिव में नाक कहाँ पे लगाओगे? नाक लगाना पड़ेगा हेल्प वर्ब के बाद। तो ठीक है, मैं तो मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट। अरे हेल्पुंगा बता जी, दो लगाओगे? अब दस नहीं लगाओगे ना, अब क्या लगाओगे? ना, ना अब क्या लगाओगे? वर्ब जाना, क्या हो गया? गो, नहीं जानना। जानना की अंग्रेजी क्या होती है? नो, क्या होती है? ऐसे ही वाला चक्कर नहीं है, ऐसे ही वाला चक्कर तो अपन बेटी बता देती मैं नहीं लेता। अब तो डू लग तो गया उसकी जगह पे, अब नहीं लगेगा। जानता हूँ किसे, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। I do not know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा, इसका अगर वैसे करना होता है तो I don't भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? Don't know you, I don't know you, क्योंकि वो do not बड़ा होता है ना, तो बोलने के लिए हम कर देते हैं ऐसा। डोंट ए पढ़ोगे आप आगे, मुझे बताओ, ये अभी नहीं सीखोगे, ठीक है? ये बनाना समझ गए? आगे देखिए, ये भी माता तब तक नहीं आते, माई मदर, माई मदर क्या लगा हो गई? माई मदर। हेल्प वर्ब क्या है? माई मदर। सिंगुलर है ना माई मदर? डू लगाओगे या डज? डज लगाओगे, डज। माई मदर डज, डज नहीं है तो नॉट, नॉट डज नॉट है ना। अब वर्ब क्या है? जाना, तो गो। कहां दी जाती है? दफ्तर, टू ऑफिस, टू ऑफिस। बताओ बात समझ में आई? अगला देख लीजिए, बच्चे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, कोई बात नहीं, द चिल्ड्रन लिख दो। वैसे ये नियम गलत होता है लेकिन लग जाता है किताबों में। हाँ, द चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? प्लूरल है चिल्ड्रन, तो क्या लगाओगे? अरे डू लगाओगे, डज, डू, डू के बाद नॉट। वर्ब क्या है? खेलना, खेलना, प्ले मीन खेलना। कहाँ खेलते हैं? कहाँ नहीं खेलते हैं? मैदान में, इन द फील्ड। बताओ बात समझ में आई? चलो ठीक, बता दीजिए। क्यों पढ़ाए जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? क्यों पढ़ाए जाते हैं? जब आप टेंस पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सी प्रोपोजिशन है ना, ये सब पता होना चाहिए। आगे किससे शुरू हूं तो उसमें शुरुआत में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। और बाकी को किससे शुरू होते, बाकी कैसे होते हैं? क्वेश्चन वर्ब। क्वेश्चन वर्ब क्या कहते हैं? प्रश्न पूछने वाले शब्द। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, यही तो होते हैं। ये क्या, ये कैसे वर्ड है बता जरा? क्वेश्चन वर्ड, इनको लगा के ही तो हम प्रश्न पूछेंगे आगे। तो देखिए, क्या वह खेत जोतता है? ये तो क्या तुम
मुझे जानते हो, तुम मंदिर कब जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, दोनों बातों में क्या क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव और ये इसमें क्या क्यों कहा, ये भी इंट्रोगेटिव, दोनों में अंतर है, एक क्या से शुरू हो रहा है ओनली क्या है ना, ये यस या नो वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यस नो वाले कहलाते हैं, क्या वाले, यस नो वाले कहलाते हैं, ये जो है तुम से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, सूत्र दोनों का अलग अलग हो जाता है, कौन सा देखिए इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अच्छा ये क्या है, सेम सूत्र इसने कैसे याद करोगे, वही सूत्र रखो, वही क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अच्छा ये तो एक सा हो गया, फिर तो बात बिगड़ गई, इसमें ये वाला जरूर लगा ना क्वेश्चन मार्क का निशान, ये तो गलत हो गया, अब मैं बताऊं जिसमें क्या आए, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, क्या शुरू में आए तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है, ठीक है क्लियर, जिसमें क्या शुरू में आए क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है, अगर क्या क्यों शुरू में नहीं आए बाद में आए तो उसकी फिर अंग्रेजी बनती है, और फिर बनती है तो सबसे पहले बनती है, बनती है तो नहीं बनती है, और जब बनती है तो सबसे पहले बनती है, तो इसमें फिर क्या लगेगा, शुरुआत में क्या और जोड़ दोगे, क्वेश्चन कर, बस हो गया, एक ही तो जैसा सूत्र है, नई चीज तो नहीं लगाई, बहुत अच्छी बनाओ बनाओ, देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज और और सब्जेक्ट करता, क्या तुम मुझे जानते हो, अच्छा क्या वह खेल खेत जोतता है, कौन है जोतने वाला, आदमी कौन है, बह, कौन है, बह कैसा है, सिंगल सिंगल एक आदमी है ना, तो डज लगाए या दू लगाए, डज, अच्छा देख रहे थे इसको अंग्रेजी लगा दी, हेल्पिंग वर्ब क्यों पता करना था, सिंगल है सिंगल तभी तो डू या डज लगाए, क्यों लगाते हो, क्योंकि क्या जिसमें शुरू है उसमें पहले क्या लगेगा, क्या से शुरू हूं तो पहले क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट आप लगा दो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है, बह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, वर्ब क्या है, जोतना, प्लो, प्लो मीन जोतना, प्लो, प्लो मीन जोतना, ऑब्जेक्ट क्या जोतता है, खेत, द फील्ड, द फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड, अच्छा कॉम्प्लीमेंट कुछ बचा, नहीं बचा, क्या की अंग्रेजी तो बननी बनती नहीं है, तो क्या लगा दिया, बात समझ में आई, क्या वाले में क्या की अंग्रेजी कहीं बात लगाई मैंने, नहीं लगाई, क्या अपने आप आया था, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगा देते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब तुम मुझे जानते हो, कौन तो कौन, कौन लगा दो सब्जेक्ट मिल जाएगा, अपने आप से क्वेश्चन कर दो, कौन सब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन मुझे नहीं जानता, कौन मुझे जानता है, तुम, यू, तो यू प्लूरल हुआ ना, प्लूरल हुआ तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, अब सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट तो अभी तो देखा था, यू वर्ब क्या है, जानना, नो मीन्स जानना, ऑब्जेक्ट किसको जानते हो, नो किसे, मुझे, किसे, आई होता है मैं, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी, तो फिर मी लगा दो, नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, बात समझ में आई, आगे हाँ इधर आओ, तो मंदिर कब जाते हो, तो मंदिर कब जाते हो, है ना, तो मंदिर कब जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं, वैसे जल्दी नहीं जाते, अब माता जी पिछली बार बीमार पड़ी थी हमारे यहाँ, तो वो बिल्कुल मूर्ति के सामने से हट नहीं रही थी, जब मैं सुबह जब भी मैं जाता तो सामने बैठे हुई थी, अभी वो ठीक हो गई है, ठीक ठाक हो गई, तो उनका थोड़ा अभी रवैया बदला हुआ है, समर अभी जाते हैं तो फिर अभी वो कि जैसे अगर रात के 9 बजे पहुंचे, कौन सा था टाइम आने का, आज नहीं आना चाहिए था, कल आना चाहिए था, सुबह जल्दी आओ, या आज ही आना था तो जल्दी आना चाहिए था, मतलब आदमी सही होता है तो फिर तो सही होता है।
तो फिर तो मैंने कहा, एक दिन मैंने कहा मैं देखता हूँ कि अब तुम धूप बत्ती नहीं लगाती हो। तो मैंने कहा आप ठीक हो गई तो फिर आप पूजा नहीं करती हो। तो वो हाथ लगे तुम ऐसा नहीं है करती हूँ। मैंने कहा नहीं आप करते हो तो कम करती, उतनी नहीं करती पहले। तो बोले तो सभी करते हैं जब आदमी है नहीं है, जब मरने वाला आदमी होता तो भगवान बचा ले, फिर भगवान ही लगता है। तो ये है, आगे देखो बहुत ध्यान, तुम मंदिर कब जाते हो? तो इसमें अब क्या क्यों कहा क्वेश्चन वर्ड? पहले इसमें सबसे पहले अंग्रेजी किसकी बनेगी? तो क्वेश्चन वर्ड है कौन सा इसमें? कब ढूंढो ना, तो क्वेश्चन ढूंढो। क्वेश्चन जिससे पूछा अच्छा कब निकाल दूं, तो क्या क्वेश्चन पूछ लोगे? तो फिर क्या बन जाएगा? तुम मंदिर जाते हो तो कब की वजह से प्रश्नवाचक है, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी? क्या बनाओगे कब की अंग्रेजी? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? तुम तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाओगे? अच्छा अब सब्जेक्ट ही लगा दो यू। अब वर्ब, अच्छा वर्ब ताओ से पहले क्या है? जाना, वो मींस जाना। ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हो? मंदिर, टू टेंपल। कॉम्प्लीमेंट कुछ बचा नहीं है तो क्वेश्चन मार्क का निशान। बात समझ में आई? ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बताओ तुम कहाँ रहते हो? क्वेश्चन वर्ड बताओ, क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है? कहाँ है क्वेश्चन वर्ड? कहाँ तो क्या हो गया भैया? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट तुम है तो सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? टू। सब्जेक्ट की अंग्रेजी ही लगा दो, सब्जेक्ट यू लगा दी। ठीक है वर्ब बताओ ना, रहना। वर्ब क्या है? रहना, लिव। लिव मींस रहना। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हो? पूछ ही रहा उसमें बता, जगह नहीं दीजिए। तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन वर्ड लगा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? बताओ समझ में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया? अब ये तो बात थी सिंपल बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पहचानोगे कैसे? इंग्लिश में, हिंदी तो आएगी नहीं, या तो उसमें ऐसे एस लगा होगा वर्ब में। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसे एस लगा नहीं होगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अच्छा दूसरी बात, अगर नेगेटिव है तो डू या डज लगा होगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क डू या डज फिर भी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट, ऐसे तो पहचानोगे। तो ठीक है सिंपल है। अब मैं आपको रूल्स लिखवाता हूँ कि कब कब तुम मानोगे कि भाई सेंटेंस अब तो प्रेजेंट में ही बनेगा, हर कीमत में प्रेजेंट में ही सेंटेंस बनेगा। अच्छा तो कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो हमेशा प्रेजेंट में ही बने। तो लिख लिया कैसे? रूल्स नंबर एक, लिखो यदि यूनिवर्सल ट्रूथ सदा सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सदा सत्य रहने वाली बात। हैबिचुअल का मतलब होता है आदत, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। सदा सत रहने वाली बात आदत, ठीक है, रिपीटेड वर्क, रिपीटेड मतलब नियमित कार्य का बोध हो, बोध मतलब जानकारी मिले, वह सेंटेंस
हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया बताना जरा। अरे सिंपल प्रेजेंट का मतलब बताओ। प्रेजेंट इन बिटवीन। ये बात समझो, कहीं भी अगर इसको दूसरी तरह से बनाया गया है तो सेंटेंस तुरंत और तुरंत ही गलत है। उसको केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहे ता है आए या ना आए अपने तरफ से बनाना जरूर। क्या रूल्स कहता है ये पेपर वाली बात है आपकी। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ सदा सत्य रहने वाली बात है, हैबिचुअल का मतलब आदत की बहुत ऐसा करता ही करता है रेगुलर नियमित। अच्छा रिपीटेड बस बार 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 वाला कार्य रिपीटेड वर्ब का बोध हो तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट में। रिपीटेड वर्ब क्या होता है, मां साहब रोज स्कूल जाएंगे है ना, वो तो सुबह 8 बजे जाएंगे तो वो कैसा होगा रिपीटेड हो गया ना। तो ऐसे सेंटेंस को आपको हमेशा किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना है और किसी भी सेंटेंस में नहीं बनाना। सिंपल प्रेजेंट लिखवाऊं, देखिए देखिए बड़े ध्यान से। एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में, अरे सुनो ना इधर, सूर्य पूरब में आप बताओ ये कैसी घटना है। यूनिवर्सल कभी बदलोगे नहीं। अगर तुमने इसको पास्ट में बना दोगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, सूर्य पूरब में निकलता था, इसका मतलब है कि अब नहीं निकलता, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब इसके चैप्टर डायरेक्ट नाइट का, तभी तो डाइट नाइट में कैसा होता है कि ही सैड आई सा ए बुक, मैं उसने कहा मैंने किताब देखी, उसने कहा मैंने एक ना आई सी ए बुक, उसने कहा मैं किताब देखता हूँ मैं किताब। तो ही सैड बराबर सैड इन्वर्टेड कामा बराबर रेड आई पर्सन सब्जेक्ट तो ही, सी का प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किस में बदल देते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म सा ए बुक लो गए दैट नाइट से प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदल दिया जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। अच्छा अगला सेंटेंस आ गया ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसकी ही सर ही साइड इन्वर्टेड कामा बराबर दैट, अब बताओ द सन, अब राइजेस की सेकंड फॉर्म होती है रोज इन द ईस्ट। जैसे ऊपर को प्रेजेंट इंडिफिनिट को डायरेक्ट नाइट में पास्ट इंडिफिनिट बनाया, देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें बताओ भाई पास्ट इंडिफिनिट। तो आप बताओ ये तो हमारा सही हो गया लेकिन ये गलत हो गया, कैसे, क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता था, इनडायरेक्ट पास्ट में करने के चक्कर में सूर्य पूरब में निकलता था गलत हो गया ना, वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ था वो तो बदलेगा नहीं। इसीलिए तो इसीलिए आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी कि जैसे ही कहीं पर भी सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, सदा सत्य रहने वाली अगर बात आ जाए तो आप उसको कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे लिखाओ डायरेक्ट नाइट बना रहे हो और मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, मैन इज मॉर्टल आदमी नश्वर है, इन डाइट बनाओगे तो कह दोगे मैन वाज मॉर्टल, बाज लगा दोगे मॉर्टल, आदमी नश्वर था, नश्वर का मतलब मरेगा जरूर। अगर तुमने तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा
जिस इंसान ने जन्म दिया है उसे मरना जरूर है। अगर ये कह दिया कि वो आदमी नस्वर था, इसका मतलब अब नहीं है, अब मरना लोग बंद हो गए, थोड़ा नहीं होगा, मरेगा नहीं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, आदमी नस्वर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। हाँ, तो ऐसे तभी मैंने क्या लिखवाया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल आदत हो कि वो तो जो काम करता है या नियमित रोज जाता है, तो ऐसे बनने के लिए आप हमेशा किसमें बनाओगे, प्रेजेंट में, किसमें बनाओगे, प्रेजेंट में। आगे देखो, ही ऑलवेज कम हियर, ही ऑलवेज कम हियर, तो गलत हो गया, कम लगाना पड़ेगा आप तो, क्योंकि सिंगुलर है ना, ही ऑलवेज कम से हियर, वह हमेशा यहाँ आता है ऑन संडे। मैंने बताया था लो हर जगह ऑन क्यों लगाया, उस समय बताया था ना कि दिन के लिए ऑन लगाना, तो ही ऑलवेज कम से हियर ऑन संडे, वह यहाँ हमेशा संडे को आता है, हमेशा, तो ये क्या हो गया, नियमित, रेगुलर, तो इसको हमेशा किसमें रखना पड़ेगा, प्रेजेंट में, किसे बनाना है, प्रेजेंट में। आगे देखो, अगर बार बार कोई कार्य हो, जैसे आई गेट अप, अब आई प्लूरल है इसलिए गेट लगा दिया, मैं आई गेट अप मीन्स उठता हूँ, कितने टाइम पर, एट 6 AM, ये भी बताया कि ऐसा वाला टाइम हो तो एट लगाना, बताया था ऐसा वाला टाइम हो तो एम के वाला तो एट लगाना, मैं 6 बजे उठता हूँ एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, तो इसमें क्या है, वो प्रतिदिन काम वही करता है, बार बार वही हर दिन सुबह 3 बजे उठता है, तो ये है जो ऐसे वाले टेंस जो है हमेशा किसमें होते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अब मैं आपको बिल्कुल एंड करूंगा, सबसे बड़ी एक चीज है वही बताऊंगा, बिल्कुल जड़ है, समझ लीजिए, लिख लीजिए, रूल्स नंबर सेकेंड, आपको जब भी आज मैंने जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ रूल, यही रूल से मैंने आपको सेंटेंस मतलब जो है पकड़ा, लिखो टाइम आप एडवांस हो, टाइम आप एडवर्ब, अब टाइम आप एडवर्ब कौन कौन सी होती है, लिखो ऑलवेज टाइम आप एडवर्ब, ऑलवेज मान हमेशा, ऑफ्टन कहते हैं, लेकिन ऑफ्टन पढ़ने में आता है, ऑफ्टन मीन्स क्रिया एंड समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, जनरली मीन्स सामान्यता, ऑफ्टेंस मीन क्रिया, एजली मीन सामान्यता, यूजली, चाहे जनरली कह लो चाहे यूजली कह लो, एक ऐसा शब्द होता है जनरली यूजली, ऑकेजनली, ऑकेजनली, रेयरली, सेल्डम, मतलब इसका में कोई क्रिया होता है, नेवर, हार्डली, नेवर, हार्डली, हैविशली, हैविशली, डेली, एवरी टाइम, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग,
एवरी इवनिंग एवरी ईयर एवरी वीक प्रत्येक साल प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मंथ एवरी मंथ। अब दो तीन और वर्ड बोलते हो पल सारे दिन में एक बार वंश आधे दिन में एक बार कौन सा है मंत्र महीने में एक बार तुई सारे तुईसा दे चाहे तुईसा मन चाहे तुईसा देहो तुईसा मन को अगर ये बार है तो वो मीन्स 100% किसमें होगा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब मैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पढ़ाऊंगा तो पता क्या बताऊंगा तो मैं जे वाले बार हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि जे होंगे तो किसमें होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। बस पूरा यही सिखाना चाह रहा था ये बार आपको लगे मुझे तो समझ जाना उस सेंटेंस में कहां पे एरर है प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसको सेंटेंस किसी में नहीं बनेगा
आगे देख लीजिए, मैंने कहा एवरी नाइट, एवरी नाइट जब रोज आता है तो नियमित हो गया, और नियमित वाला पहला रूल, और वो भी ना समझो तो ये वाली इनको देख लो। तो ये एवरी नाइट हो गया, जब रोज आता है तो ये भी गलत हो गया, प्रेजेंट में बनेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, गलत आएंगे, तो आप समझ जाओ कैसे, इसको हटाओ। अगर सर पास्ट दिया है और उसमें टेंस बना है हमारा प्रेजेंट, तो ऐसे बनाओ ही ऑब्टेन कम्स हियर एट नाइट, या ही कम्स हियर, आपको एक ओ लगता है ना, कम्स हियर एट एवरी नाइट, बताओ बात समझ में आ गई। तो ये मजबूरी क्या थी, प्रेजेंट में क्यों बनाना पड़ा, प्रेजेंट में क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ एवरी नाइट है और यहाँ क्या है, यही तो गलतियां है, यही गलतियां है, समझ रहे हो। जैसे ऐसे कर देगा ही यस्टरडे, पहचान के, तो पूरे सारे नियम इसी में आ गए। बताओ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, उतार लिया, उतार लिया। आगे देख लीजिए, एक रूल्स और है सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट में, तो क्या क्या बताया मैंने प्रेजेंट इंडिफरेंट में कब कब हो गया। अरे ये अगर तुम्हें हेल्पिंग, ये तुम्हें अगर एडवर्ब मिल जाए तो वो प्रेजेंट में बनाना ही पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट में। और अगर ये पहले वाले यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल हो, आदत हो, कुत्ते अपरिचितों पर भौंके, कुत्ते अपरिचितों पर भौंका, कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, क्या है जो बताओ, आदत है, तो हमेशा किसमें बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। हाँ, धोती रूल नंबर तीसरा, पजेशंस, अब तो पजेशंस का मतलब समझ लगे, वो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेशंस जिसको कहते हैं अधिकार, अधिकार जता, अधिकार व्यक्त करने के संबंध में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है,
अगर कहीं पर अधिकार आ जाए तो हमेशा किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट का। जैसे यह पेन मेरा है, यह पेन तो आपको हमेशा उसमें इज नहीं लगाना है, अधिकार आ गया। अधिकार के लिए एक अंग्रेजी होती है बिलोंग, कि ये संबंधित है ना, तो प्रेजेंट बनाओगे। जैसे दिस पेन, एग्जांपल देखो, दिस पेन बिलोंग्स, सिंगुलर है ना, तो आगे क्या लगा दिया, एस है ना, तो बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है। हिंदी लिख लो, बना नहीं पाओगे, यह पेन मेरा है, नहीं तो लिखोगे दिस मीन्स ये है, पेन मीन्स कलम, इस मीन्स है, और माई माने मेरा, तो लगता ही नहीं है, तो बनता ही नहीं है। तो वो तो ये मेरा पेन है, ऐसे होता, ये मेरा पेन है, और यहाँ क्या लिखा, ये पेन अधिकार है, ये पेन मेरा अधिकार। तो ब्लॉग लगेगा, मतलब प्रेजेंट बनाओ, आई ब्लॉग होता, ब्लॉग लिख के देगा ना, ब्लॉग लिख के देगा, तो आप तुम्हें समझना आ रहा हो, अधिकार बता रहा है तो ब्लॉग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ब्लॉग लगेगा। हाँ आई हैव अ कार, दूसरा देख लीजिए, ये है मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार है तो प्रेजेंट में ही, हैव नहीं कर सकते मेरे पास कार, अब पास थी तो अधिकारी कहाँ है, भाई तो इसीलिए अधिकार वाले उसमें भी आएंगे। ठीक है, किसके साथ लगा दो, आई
हेल्प नंबर आई के साथ क्या लगा हुआ हेल्प नंबर एम। अब बल कौन सी है? पहचान से पर होती है रहा हूं तो जाना क्या होगा? कहां जा रहा हूं? टाइम पर। अगला दे दे प्लूरल है, दे कैसा है? तो हेल्प नंबर कौन सी लगा हुआ प्लूरल के साथ? आर। दे आर। अब बल क्या है पढ़ना? आप से क्या पढ़ रहे हो? रीडिंग द बुक है। ये बहुत लोग हैं, ये किताब भी ना पढ़ो रे वहां से भी बस आप बताओ। मैं एक बस अभी दरवाजे पे आता दोस्तों। नेगेटिव समझ में आ गया? चलो नेगेटिव वाले आ जाओ। वह खाना नहीं पका नहीं बना रही है, पूरा हो जाएगा ना दो तीन महीने में। मैं खाना नहीं बना रहा, चलो इसका एक ही बना लेता हूँ। मैं खाना कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सूत्र है, इसमें केवल क्या जोड़ना है? बोल दी नॉट नॉट खाना वहाँ पे हेल्प वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। अब वो वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म? अरे एक बार मैंने वर्ब की फाइव फॉर्म आईएनजी लिख दिया, एक बार मैंने चौथी फॉर्म लिख दिया, बात तो वही है। चौथी फॉर्म क्या होती है बताओ? आईएनजी की फाइव फॉर्म में स्मार्टली समझो ऑब्जेक्ट बना रही ना, तो फोर्थ वाली वर्ब तो आई एन जी वाली होती है, तो बनाने के लिए क्या होती है? कुकिंग। खाना बना ले तो बनाने के लिए मैट तो नहीं लगेगी, कुकिंग लगेगी ना। बात समझ में आई? अगला देखो क्या वाले एक का है क्या भाई? क्या बहन अस्पताल जा रहा है? क्या बहन अस्पताल जा रहा है? इसका सूत्र क्या होगा बताओ? क्या होगा? हेल्प नंबर पहले का लोगो ये हेल्प नंबर क्या हुआ क्या वाले में? ये हेल्प नंबर पूरा का सब्जेक्ट वाले में, बाकी सेम वैसा है भाई। बस की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे? आईएनजी ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कैसे सीखोगे? हेल्प नंबर क्या हो गई? हेल्प नंबर क्या हो गई? वह है ना, तो हेल्प नंबर वह के लिए स्कूल में क्या लगा हुआ है? आप सब्जेक्ट लगाओ। अब बस क्या है? जाना जाने से पहले जा रहा तो गोई। अब जब कहा है आप अस्पताल तो हॉस्पिटल। इन दोनों मिसाल लगा दीजिए, ठीक है? अगली बात समझ में? अगला देख लो, मैं क्वेश्चन नंबर लगा दूं। तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? इसका सूत्र क्या है? यही तो होता है सूत्र, इसमें क्या लग जाता है? और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाला है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। चलो इसका बनाओ। तुम यू अच्छा ऐसे कैसे तुम बनाओ? सबसे पहले कितने वर्ड लगा हुआ है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बताना। व्हाई व्हाई मींस क्यों। अच्छा क्योंकि अब क्या लगा हुआ है? क्योंकि बाद हेल्प नंबर तुम है ना, तो आर लगेगी सब्जेक्ट तुम है तो आर लगेगा। अब सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी बना दो। अब वर्ब तो रो रहे क्राइम क्या हो गया? बीपिंग रिवर बीपिंग मीन क्राइम मीन भी रोना होता है। बीपिंग
ऐसे लगा, बताओ कंटिन्यूअस समझ में आया? कंटिन्यूअस तो सिंपल है, अब क्या करना है तुम्हें? वो बातें जो मैंने वर्ब लिखवाई थी, मैं आपको वो जो वर्ब लिखवाई थी अभी, वो उनके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, उनके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो फिर ठीक है, उसका रूल से एक और था, लेकिन क्यों लिखवाऊं? क्योंकि उसका क्या कर दोगे अपोजिट, वो जो हेल्पफुल वर्ब, वो जो वर्ब लिखवाई थी ऑफ्टन है, ऑलवेज है, उनके साथ कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट ही रहेगा।